हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान के बाड़मेर जिले में कोरोना की तरह डेंगू से अस्पतालों के हाल बेहाल हो गए हैं। अस्पताल में अचानक डेंगू का प्रकोप पिछले 48 घंटों में इतना बढ़ गया कि बेड फुल हो गए हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज के राजकीय अस्पताल में मरीजों को फील्ड अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था, वहीं पर अब सुबह से एक बेड भी खाली नहीं है। फिजिशियन डॉक्टर मनीष बैरवा के अनुसार दीपावली से पहले इस अस्पताल में 40 मरीज रह गए थे, लेकिन पिछले 48 घंटों में मरीजों की संख्या एकाएक इतनी बढ़ी कि अब 104 मरीज भर्ती हैं। ऐसा ही कुछ हाल मेडिकल कॉलेज के राजकीय अस्पताल की बिल्डिंग का है। अचानक ही कल 2000 की ओपीडी हो गई और 200 लोग एडमिट हो गए, जिसके चलते अचानक अस्पताल खचाखच भर गए। डॉक्टर मनीष बैरवा के अनुसार ज्यादातर मरीज ग्रामीण इलाकों से आ रहे हैं, जिनको ज्यादा बुखार के साथ उल्टियां हो रही हैं और गंभीर हालत में आ रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन तक लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा, जिसके चलते गंभीर अवस्था में मरीजों को भर्ती करवाया जा रहा है। लेकिन गनीमत ये है कि हमारी रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है। ज्यादा सीरियस होने पर हम जोधपुर रेफर कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन डेंगू का प्रकोप और बढ़ेगा, इसलिए हमें सचेत रहने की जरूरत है। बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज का राजकीय अस्पताल वर्तमान में 300 बेड के अलावा कोरोना के समय 100 बेड का अलग से अस्पताल हाई स्कूल मैदान में बनवाया गया था, जो भी आउटफुल हो गया है। ऐसे में अब अस्पताल प्रशासन और बाड़मेर प्रशासन शाम को बैठक करके अतिरिक्त बेड लगाने को लेकर नई दिशा निर्देश जारी करेगा। बाड़मेर में डेंगू का 48 घंटों में कहर, कोरोना की तरह अब डेंगू में अस्पताल हो गए फुल। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम इकबाल की रिपोर्ट।